नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल स्टडी एचपी पर। तथा दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के जो है यहाँ पर 311 पोस्ट पर जो है रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाई जानी है। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर ये दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिलासपुर में 30, चंबा में 15, धर्मशाला में 57, देन हमीरपुर में 37, कुल्लू में 30, मंडी में 35, नाहन में 20, रामपुर में 23, शिमला में 24, सोलन में 17, देन WL शिमला में 15 तथा WL धर्मशाला में 3, GHNP शामशी में 5। टोटल यहाँ पर जो है 311 पोस्ट हैं। यहाँ पर आपने देखी होंगी डिफरेंट सर्कल्स में यहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या अपडेट फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड यहाँ पर सामने आई है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले जो है यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन के लिए जो है यहाँ पर जो PDF नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड द्वारा जो है यहाँ पर रिलीज़ की जाएगी, वो की जाएगी 5/7/2021 को। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने पूरा शेड्यूल यहाँ पर बताया है कि कब आपका एग्ज़ाम होगा, कब यहाँ पर जो है आपका ग्राउंड होगा तथा कब फिजिकल टेस्ट होगा, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा तथा कब जो है यहाँ पर इसका जो है फाइनल रिजल्ट आएगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इस शेड्यूल को। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इंटीमेशन टू द सर्कल्स यहाँ पर 18/6/2021 को बताया, देन एडवर्टाइजमेंट जो नोटिफिकेशन PDF फाइल रिलीज़ की जाएगी हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड द्वारा, जो वो की जाएगी 5/7/2021 को। देन डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिशन करने के लिए यहाँ पर 45 डेज दिए जाएंगे। तो आप यहाँ पर जो है 6/7/2021 से लेकर 19/8/2021 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन सिक्योरिटी ऑफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग इवेल्यूएशन पैरामीटर्स, तो यहाँ पर जो है आपके इसके बाद जो है फिजिकल टेस्ट में जब आप अपीयर होंगे यहाँ पर जो है उसके लिए जो भी आपके फॉर्म लगेंगे यहाँ पर उसके लिए बनवाने के लिए आपको जो है यहाँ पर 20 दिन दिए जाएंगे। तो आप यहाँ पर इन 20 दिनों में जो है ये सारे फॉर्म्स रेडी कर सकते हैं। देन इसके बाद जो है यहाँ पर फिजिकल टेस्ट आपका 30 दिनों तक चलेगा, जिसमें जो है 21/9/2021 से 20/10/2021 तक जो है यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट होगा। देन इसके बाद जो है एडमिट कार्ड आपका 21/10/2021 से 25/10/2021 के बीच में आएगा रिटर्न टेस्ट के लिए। देन इसके बाद जो है दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं रिटर्न टेस्ट की जो OMR शीट्स है वो यहां पर जो है 31/10/2021 को यहां पर जो है आपका रिटर्न टेस्ट करवाया जाएगा। देन इसके बाद जो है आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस के लिए, वो आप 5 दिन के भीतर भीतर यहाँ पर जो है उस रिटन टेस्ट के लिए ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत है। तो ये जो है इसकी डेट 1/10/2021 से 5/11/2021 के बीच में इन्होंने बताई है। देन इसके बाद जो है यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ डेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इवेल्यूएशन पैरामीटर, ये आपका 1 वीक के भीतर में होगा, जो कि 20/11/2021 से 26/11/2021 के बीच में चलेगा। देन डेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स फॉर इवेल्यूएशन, यहाँ पर आपका 27/11/2021 से 3/12/2021 तक चलेगा। देन इसके बाद कंपाइलेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो आपका 4/12/2021 से 6/12/2021 के बीच में जो है वो आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती की जो फाइनल रिजल्ट है वो 6/12/2021 तक जो है यहाँ पर आ जाएगी। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरी प्रोसेस है यहाँ पर लगभग 6 महीनों में कंडक्ट करवा दी जाएगी। एग्ज़ाम फिल करवाने से लेकर जो है रिजल्ट यहाँ पर जो है 6 महीनों के भीतर में जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड द्वारा आउट किया कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर जॉब की यहाँ पर त्या जॉब को ढूंढ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सुनहरा मौका है। तो
यहाँ पर आप 6/7/2021 से इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। जैसे ही इस पर कोई अन्य अपडेट आती है तो वो आपको हमारे इस चैनल स्टडी एचपी पर प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए दोस्तों आप हमारे इस चैनल स्टडी एचपी को प्राप्त कर ले तथा अन्य कोई भी जॉब रिलेटेड अपडेट आती है तो वो सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल स्टडी एचपी पर प्राप्त होगी। तो उसके लिए दोस्तों आपको हमारे इस चैनल स्टडी एचपी को सब्सक्राइब करना होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर ले तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय हिमाचल दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।